जब अमृतपाल सिंह के विरुद्ध पंजाब पुलिस ने धावा बोला तो ये स्वाभाविक था कि हलचल मचेगी, परंतु ऐसी राम राम। अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस की रेड मात्र से उसके यूके वाले आका इतना बिलबिला गए हैं कि बौखलाहट में उन्होंने भारतीय उच्च आयोग पर ही धावा बोल दिया है। वो अलग बात है कि इस बार 26 जनवरी 2021 वाली सफलता नहीं मिल पाई। नमस्कार, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे ISI की गतिविधियों को जानते हुए भी यूके नजरअंदाज कर रहा है और कैसे खालिस्तानी उग्रवाद यूके के अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उग्रवादी अमृतपाल सिंह के विरुद्ध व्यवस्था में ही सही, परंतु पंजाब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अमृतपाल सिंह के लगभग हर ठिकाने पर छापा पड़ चुका है और पूरे पंजाब को लगभग छावनी में परिवर्तित कर दिया गया है। परंतु इसके कारण कुछ लोगों को विशेष पीड़ा भी हो रही है और ये पीड़ा इस बौखलाहट में परिवर्तित हो गई है कि इन उग्रवादियों ने लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग पर धावा बोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार को खालिस्तानियों ने भारतीय उच्च आयोग के सामने इकट्ठा होकर खालिस्तानी झंडे लहराते हुए भारत का तिरंगा निकाल दिया था। यही नहीं, वहां खालिस्तानी झंडा लगाने की भी कोशिश की गई थी। इस घटना का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत के विरोध के बाद ब्रिटेन ने भी राग में राग मिलाकर इसकी कड़ी निंदा की है। परंतु इस उग्रवाद के विरुद्ध भारत भी चुप नहीं रहा। भारत ने अब इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पहले से ही बड़ा तिरंगा फहराया है। भारतीय उच्च आयोग में खालिस्तानियों द्वारा की गई हरकत की ब्रिटेन ने निंदा की है। साथ ही इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें, इस पूरे मामले में भारत सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त क्रिस्टनी स्टॉक को समन भेजकर उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत यूके सरकार के बुनियादी दायित्वों की भी याद दिलाई है। भारत सरकार ने कहा, ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की उदासीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि ब्रिटेन सरकार इस घटना में शामिल हर व्यक्ति की पहचान करे, गिरफ्तार करेगी और ऐसी घटना दोबारा न हो इसको लेकर सख्त कदम उठाएगी। इसके बाद ब्रिटिश राजदूत एलेक्स एलिस ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं लंदन में भारतीय उच्चायुक्त में हुए शर्मनाक कृत्य पर निंदा करता हूँ, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वहीं इस घटना को लेकर लंदन के मेयर सादिक खान ने भी कहा, भारतीय उच्च आयोग में आज हुई हिंसक घटनाओं और तोड़फाड़ की निंदा करता हूँ और इस तरह के व्यवहार के लिए हमारे शहर में कोई जगह नहीं है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परंतु वो कहते हैं ना, कथनी और करनी में अंतर होता है और यहाँ तो ऐसा अंतर ही है जिसे हम माप भी नहीं सकते। और इसलिए सादिक खान कृपया नैतिकता का ज्ञान न दे, यही बेहतर होगा, क्योंकि इनके नेतृत्व में जितना चरमपंथियों विशेषकर खालिस्तानियों को 2019 से बढ़ावा मिल रहा है उतना शायद ही किसी और को मिला होगा। वह तो भला हो कि अमृतपाल सिंह के समर्थन में बहुत ही कम भारतीय सिख दिखाई पड़ रहे हैं, अन्यथा जो लंदन में हो रहा है वह भारत की एकता के लिए शुभ संकेत नहीं देता। इसके अतिरिक्त अमृतपाल सिंह के ISI से भी संबंध सामने आए हैं। मामले में अगुवाई कर रहे पंजाब पुलिस के IG सुखचैन सिंह गिल ने अमृतपाल सिंह के पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से संबंध और विदेशी फंडिंग की भी बात कही। उन्होंने कहा, अब तक सामने आए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हमें ISI के एंगल का बहुत मजबूत संदेह है, हमें विदेशी फंडिंग का भी मजबूत संदेह है। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें ISI शामिल है और उसे विदेशी फंडिंग भी मिलती है। यह भी सामने आया है कि इसके पूरे ग्रुप को हवाला और विदेशी फंडिंग के जरिए पैसा मिलता था। यह फंडिंग छोटी छोटी रकम में इनके खातों पर भेजी जाती थी। आगे जांच की जा रही है। अब ऐसे में तो इतना स्पष्ट है कि अमृतपाल पर पंजाब पुलिस एवं केंद्र एजेंसियों की तावातोर कार्रवाई से यूके एवं अन्य देशों में खालिस्तानी उग्रवाद को पल्लवित पोषित करते उनके आकाओं को जबरदस्त चोट पहुंची है। अभी कुछ ही दिनों पूर्व शक्ति प्रदर्शन के रूप में ऑस्ट्रेलिया के एक प्रांत में रेफरेंडम 2020 कराने का प्रयास किया गया था, परंतु वहां मुश्किल से 100 लोग ही पहुंचे। लेकिन क्या इस नौटंकी से भारत को नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं, परंतु यूके की प्रतिबद्धता एवं भारत के साथ अपने संबंध सुदृढ़ रखने के उसके नियत पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा है। इसका असर दोनों देशों के बीच संभावित
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी पढ़ सकता है और इस समय यूके चाह के भी ये गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।